हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पास फॉर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। लेट Sn बराबर 0 टू 1 n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx फॉर n ग्रेटर देन 1 एंड एज n टेंड्स टू 3 द सीक्वेंस Sn टेंड्स टू। फ्रेंड्स, ऑप्शन है a बराबर 0, b बराबर 2, c बराबर 1, d बराबर इंफिनिटी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे 0 टू 1 Sn क्या होता है, 0 टू 1 n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x लेट एंड dx लेट x बराबर, अगर हम यहां से 1 प्लस x को उठाना चाहे तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा ले लें, तो tan स्क्वायर थीटा लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहां से इसको चेंज कर सकते हैं हम। और dx बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा, 2 tan थीटा और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से Sn बराबर 0 टू, अब लिमिट x बराबर 0 टू 1 है, अब जब tan थीटा है तो x बराबर tan स्क्वायर थीटा है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी 0 टू, लिमिट जो x बराबर 0 पे यहां पे 0 रहेगा, और जब x बराबर 1 है तो tan स्क्वायर थीटा कब 1 होता है, जब पाई बाय 4 हो, तो 0 टू पाई बाय 4 लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाय 4, और ये हो गया n और tan स्क्वायर, तो ये 2n माइनस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फ्रेंड्स sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और dx की जगह 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, अब sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा और d थीटा यहां पे है, ये हो गया। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4, यहां पे 2 आगे n आगे, 2 और n आगे, tan टू दी पावर 2n माइनस 1 एंड d थीटा, ये आ गया फ्रेंड्स। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि एक तरह से ये कह रहा है कि जब हमारे पास tan थीटा के जो कर्व है 0 टू पाई बाई 4 के बीच में जो एरिया है उसको निकलवा रहा है, यानी अगर हम उस पर बात करें कि कोई एरिया की बात करें तो एरिया किस तरह से होती है, 0 टू कुछ लिमिट y डॉट dx, अगर y बराबर tan स्क्वायर tan की पावर 2n माइनस 1 थीटा है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एरिया वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर पूरा जो है इंटीग्रेशन पॉजिटिव नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव नंबर डॉट 2n, तो अब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे n n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा ये पूरा नंबर इन्फिनिटी तरफ टेंड्स करेगा, तो पॉजिटिव नंबर n जो है वो इन्फिनिट हो गया, कुछ मल्टीप्लाई में है तो ये इन्फिनिट पे जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी द सीक्वेंस Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।